जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, गौर फरमाइएगा, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीनों में नहाते हैं भाई साहब वो इतिहास बदलते हैं। तो विवेक राजदान साहब, हमारे फेवरेट हिंदी कमेंटेटर, जिनकी हिंदी कमेंट्री इतनी प्रसिद्ध है, 10-12 साल से करीब मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में सुन रहा हूँ, और अब हर चैनल में इंटरनेशनल मैचेस भी इंडिया के जो है वो हिंदी क्रिकेट मैचेस वो हिंदी कमेंट्री में हैं। तो विवेक राजदान साहब फॉर्मर क्रिकेटर भी रह चुके हैं, और उनकी जो कमेंट्री है, खास करके जो हिंदी में जो शुद्ध हिंदी की कमेंट्री है, उसके सब दीवाने हैं और हम भी उसके दीवाने हैं। मिमिक्री का मैं बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन ऐसे ही मेरे मन में ख्याल आया, मेरी एक बहुत ही फेवरेट फिल्म है, शायद दुनिया में सभी फिल्मी प्रेमियों की बहुत बड़ी फेवरेट है, दीवार फिल्म यश चोपड़ा साहब की, मेरी वन ऑफ माय फेवरेट्स है। सलीम जावेद ने स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट, डायलॉग लिखे हैं। उस फिल्म का जो डायलॉग है बहुत ही, मतलब कि उस फिल्म के एक एक डायलॉग, मतलब क्या बढ़िया, उसमें एक डायलॉग जिसमें कि अमिताभ बच्चन साहब जो कि विजय वर्मा का रोल कर रहे हैं, वो जब मंदिर जाते हैं, तो मेरे मन में आया कि विवेक राजदान साहब अगर होते, या विवेक राजदान साहब अगर एक्सटेम्पोर करे इस डायलॉग का, तो कैसे होगा। बस एक छोटी सी कोशिश है, ट्रिब्यूट टू विवेक राजदान साहब, लव यू एंड जस्ट इंजॉय। तो ये देखिए, विवेक राजदान साहब मंदिर में भगवान के सामने, शिव जी की मूर्ति के सामने, आज खुश तो बहुत होंगे आप, देखिए जो आज तक आपके मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक आपके सामने शीश नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी आपके सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज आपके सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश होंगे आप, बहुत खुश होंगे आज कि हम पराजित हो गए, लेकिन आप जानते हैं कि जिस वक्त हम यहां खड़े हैं, वो महिला जिसके माथे से आपके चौखट का पत्थर घिस गया, वो महिला जिस पर अत्याचार बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी, वो महिला जो जीवन भर जलती रही लेकिन आपके मंदिर में दीप जलाती रही, वो महिला आज जीवन और मृत्यु की सीमा रेखा पे खड़ी है, और ये आपकी पराजय है। हाँ, ये आपकी पराजय है। क्या चूक हुई उससे? कौन सा पाप, कौन सा दुष्कृत्य किया है उसने? क्या उसने उससे ये चूक हुई है कि वो मेरी माताश्री हैं? क्या उनसे ये चूक हुई है कि उन्होंने मुझे जन्म दिया है? क्या उनसे ये चूक हुई है कि मैं उनसे प्रेम करता हूं? ये किस चूक का दंड दिया जा रहा है उन्हें? हम घर से बेघर हो गए, मेरे पिताश्री जीते जी मृतक हो गए, मेरी माताश्री सुहागन होते हुए विधवा बनी रही, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूं। मेरे पापों के लिए दंड मेरी माता को मत दीजिए, मैं अपना आत्मसमर्पण करने आया हूं, जो चाहे कर लीजिए, लेकिन मेरी माँ मुझे लौटा दीजिए, मेरी माँ मुझे लौटा दीजिए, मेरी माँ मुझे लौटा दीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आया, प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिमिक्री बहुत ज्यादा नहीं होगी इस चैनल पे, लेकिन विवेक राजदान साहब को मेरा ट्रिब्यूट था, बहुत प्यार से किया, बहुत उनके स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश की। थैंक यू गाइज, लव यू, टेक केयर, एंजॉय, बाय।